हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग दसवीं कक्षा की हिंदी जो चैप्टर इलेवेन है जिसका नाम लौट कर आऊँगा फिर है ठीक और लौट कर आऊँगा फिर इसके राइटर जो है लेखक वो हैं जीवनानंद दास ठीक तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं और बात करें तो जीवनानंद दास जो हैं वो बंगाल से बिलोंग करते हैं ठीक तो जीवनानंद दास बंगाल के सर्वाधिक सम्मानित और चर्चित व्यक्ति में से एक हैं इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेकेंड क्वेश्चन है कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं तो कवि चाहते हैं कि हम बने अबाबिल कौवा हंस इनमें से सभी बनना चाहते थे और बंगाल की धरती पर लौटकर फिर से वापस आना चाहते थे अगला प्रश्न है नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है तो लौटकर कर आऊँगा ये कविता से लिया गया है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है तो जीवनानंद दास बंगाल भाषा के बंगला भाषा के कवि थे अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है नहीं पूछा जा रहा है तो नहीं है भूमिजा ये किसी और कवि के लेखक हैं ठीक लेकिन अगर पूछे कि जीवनानंद दास की कृति हैं तब तो आएगा झारा पालक धूसर पांडुलिपि वन लता सेन ये सभी जीवनानंद दास की कृति हैं नहीं पूछा गया है इसलिए भूमिजा ये जीवनानंद दास की कृति नहीं है नेक्स्ट प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता की हिंदी में अनुवाद किसने किया था वो तो जीवनानंद दास जो थे लौट कर आऊँगा फिर जो कविता रचे हैं वो बंगला भाषा में किए हैं ठीक लेकिन उसको जीवनानंद दास की जो काव्य कृति है बांग्ला भाषा में उसको हिंदी में ट्रांसफर कौन किए हैं तो वो किए थे प्रयाग शुक्ल सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है तो ये है जीवनानंद दास की कृति लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है तो उल्लू बोलते हैं कपास के पेड़ पर और आपको पता होगा कि कपास से रुई का निर्माण किया जाता है लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है तो भाव प्रकट होता है कि अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत होता है और कवि पुनः मंगाल सॉरी बंगाल में लौट कर आना चाहते हैं वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है तो जीवनानंद दास की यहाँ पर कन्फ्यूजन मत हो गया है जीवानंद लिखा है ठीक और ये है जीवनानंद दास की लौट कर आऊंगा फिर का प्रमुख वर्ण्य विषय क्या है प्रमुख वर्ण विषय था कि बंगाल की प्रकृति कवि को बंगाल की प्रकृति बहुत ज्यादा आकृष्ट करती है जीवनानंद दास को जाना जाता है किस लिए बंगाल की बंगला की आधुनिक कवि के रूप में नेक्स्ट प्रश्न है कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है तो कवि खेत और खलिहानों के सॉरी कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करते हैं तो नदियों और मैदानों के पुकारने पर कवि आने की बात करते हैं कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं तो कवि चाहते हैं कि हम अगले जन्म जब लें तो उसमें कौवा हंस उल्लू सारस ये सभी बने कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है तो कवि सारसों के बीच अंधेरे में होने की बात करते हैं रूपसा क्या है रूपसा जो है एक बंगाल की नदी है जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ उनका जन्म हुआ था अठारह सौ निन्यानवे ईस्वी में बंगाल में लौट कौरंगा फिर कविता है और ये कविता जो है राष्ट्रीय चेतना की है जीवनानंद दास हैं जो जीवनानंद दास जी हैं एक अच्छा और सक्सेसफुल साहित्यकार है जीवनानंद दास एक सक्सेसफुल साहित्यकार है अगला प्रश्न है कवि मृत्युपरांत कहाँ आने की अभिलाषा रखता है का अर्थ हुआ मरने के बाद कवि मृत्युपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है तो पुनः कवि चाहते हैं कि मातृभूमि बंगाल में पुनः जन्म ले लौट को रंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है तो ये कविता के लेखक जो हैं जीवनानंद दास जी हैं लौट को रंगा फिर कविता किस कवि द्वारा सम्भांतरित की गई है आपको पहले बताएं कि जो कवि जीवनानंद दास जो हैं वो बंगला भाषा में कविता लिखे हैं लौटकर आऊंगा फिर ठीक और उसको भाषांतरित अर्थात ट्रांसलेट किए हैं हिंदी में प्रयाग शुक्ल जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर योग की श्रेष्ठम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है तो वो संज्ञा था वन लता सेन से नेक्स्ट प्रश्न है कभी किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है कभी चाहते हैं कि नया नया चावल की वर्णन करते हैं कभी अगले जन्म में बनना नहीं चाहता है, कभी चाहते हैं कि अगला जन्म में वो ना मनुष्य बने और ना ही जानवर बने वो चाहते हैं कि किसी न किसी पक्षी के रूप में जन्म ले, जैसे सारस बगुला मोर इत्यादि पक्षी अपने घर कब लौटते हैं जब पक्षी शाम हो जाएगा तो पक्षी अपने घर लौट जाते हैं गंध जहाँ होगी ही भरी गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है तो ये पंक्ति है जीवनानंद दास की लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं तो वो बात करते हैं बंगाल में पुनः लौटने की बात करते हैं कभी अगले जन्म में कहाँ लौटने आने की बात करता है तो अपने प्रदेश बंगाल में अर्थात तो अपने राज्य जो बंगाल हैं जन्मभूमि वहाँ लौटने की बात करते हैं कवि ठीक इस चैप्टर में टोटल ट्वेंटी नाइन ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न था ठीक मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में